अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, लर्निंग विद इस्माइल के साथ मैं हूं मोहम्मद अदनान बशीर। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो तीन मेथड्स हैं फेसबुक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए, वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक मुकम्मल देखें, ताकि आप मुकम्मल प्रोसेस को सीख सके। अगर आप दरमियान में छोड़ देंगे तो आप सही तरह से नहीं सीख सकेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है लर्निंग विद स्माइल। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो आप अपना फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करें। मुझे लीजिए, मैंने लॉग इन कर दिया। अब इसमें जो पहला प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है। तो आपने ये देखें, आपके ये अकाउंट की लेफ्ट साइड पर कंप्यूटर पर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये शो हो रहा होगा। ये देखिए, ग्रुप्स, इवेंट्स, पेजेस। अब इस पर यहाँ से ग्रुप्स पर क्लिक करना है। जब आप ग्रुप्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नई विंडो ओपन होगी पहले वाले की जगह पर। अब ये देखिए, यहाँ पर ये ग्रुप्स वगैरह है वो कह रहे हैं कि आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हमें किसी को भी ज्वाइन नहीं करना, हमें सिंपली यहाँ से ये देखें कॉर्नर में लिखा हुआ क्रिएट ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो ये देखो, कह रहा है अपने ग्रुप का नेम टाइप करें। यहाँ पर जिस पीपल्स वगैरह को ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ से उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करें, कौन से करना चाहते हैं आप, और यहाँ से सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। ये एक प्रोसेस हुआ। जो दूसरा प्रोसेस है हमारा वो कुछ इस तरह से है। मसलन होम पर जाते हैं हम, कोई भी अपना जो पहले से किसी का भी बना हुआ फेसबुक ग्रुप है ना, उसका हम ओपन करेंगे। ये देखिए, ये ग्रुप है, ये मेरे ग्रुप है, इस पर मैं अपनी वीडियोस वगैरह के लिंक वगैरह शेयर करता रहता हूँ। आप इसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए ताकि आप इससे सीख सकें। उसके बाद आप ये देखें कि किसका भी ओपन करने के बाद ये शेयर के साथ जो डॉट वगैरह लगे हुए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ नीचे क्रिएट न्यू ग्रुप, इस पर आप क्लिक करें। ग्रुप पर क्लिक करने के बाद ये वही प्रोसेस आ गया पेज वगैरह। उसके बाद जो हमारे पास फाइनल है प्रोसेस तीसरा, वो किस तरह से है, उसके लिए हम यहाँ पर जहाँ से हम लॉग इन करते हैं, यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर ये आ रहा है क्रिएट ग्रुप, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो इस तरह से शो हो रही है। अब मैं आपको ये क्रिएट करने का तरीका दिखाऊंगा। मसलन ये देखिए, मैं यहाँ पर ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्या नेम लिखूंगा इसका। मसलन मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जस्ट फन में लिख देता हूँ। मसलन मैंने जस्ट फन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर पीपल्स वगैरह को ऐड करूंगा, जो भी करना चाहते हैं, किसका नेम वगैरह। मसलन मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ अहमद नाम। ये देखिए आ गया, इसमें बहुत से आप जिनको भी ऐड करना चाहिए इनसे कर सकते हैं। ये मुमताज हुसैन वगैरह आ गए, दानिश, फ्रेंड्स वगैरह के ये नेम आ गए मेरे। इस तरह से आप यहाँ पर कोई नोट वगैरह कर सकते हैं, दिस इज ए वेरी गुड चैनल मसलन। मसलन ये मैंने लिख दिया कुछ भी, आप यहाँ पर जो भी अपने पसंद के मुताबिक लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम इसकी सेलेक्ट प्रॉक्सी वगैरह सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से पब्लिक चूज करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। जब हम क्रिएट करेंगे तो देखिए क्या होता है। और वो कह रहा है कि जस्ट फन, आप यहाँ से उसकी कोई पिक्चर वगैरह चूज कर लें, जो भी आप चाहते हैं कि वो शो उसमें। मसलन मैं यहाँ से ये हेड चूज कर लेता हूँ, करूंगा इसको ओके। करने के बाद ये देखिए, ये हमारा ओपन हो चुका है। इसमें अब हम कोई पिक्चर वगैरह अपलोड करेंगे, उसके लिए आप कवर फोटो वगैरह सर्च कर लें।
मसलन ये मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं कुछ, मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा क्या लिखा, मोहम्मद नाम क्रिएटेड दिख रहा हूँ। ये फ्रेंड्स वगैरह ऐड किए मैंने अभी तक 3। यहाँ पर ये देखे 4 मेंबर्स हैं। ये देखे ये आगे इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे जिस तरह से भी करना चाहते हैं, फाइनली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे पोस्ट आए गाइस, जो भी लिखना चाहें उसको पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने के बाद जब हम देखें ये देखें नीचे हैं, यहाँ पर ये आ रहा है। यहाँ पर हम लोकेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई उसकी ज़रूरत वगैरह नहीं है। इस तरह से आप अगर अपने तमाम फेसबुक फ्रेंड्स को एक दफ़ा ऐड करना चाहते हैं, मसलन आपके 1000 हैं या 2000 हैं, 500 हैं, 300 हैं, 100 हैं, सभी को आप ऐड करना चाहते हैं एक दफ़ा से, किस तरह से आप उसको ऐड करेंगे, उसके लिए आप मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मसलन ये देखें मैंने अभी कुछ ही दिन पहले ये अपलोड की है, फेसबुक ग्रुप्स में तमाम फ्रेंड्स को ऐड करें। ये देखें एड ऑल मेंबर्स इन फेसबुक ग्रुप्स एट वंस, एक ही दफ़ा आप सबको कर सकते हैं। अगर आप उन ये सीखना चाहते हैं किस तरह से करेंगे तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें, इससे ये होगा कि आपका टाइम वगैरह बच जाएगा, वैसे आप एक ही को ऐड करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।